नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। आज हम बात करते हैं नीमच जिले की मनासा विधानसभा तहसील मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुकनी पंचायत के चुकनी खेड़ा गांव की, जहां की तस्वीरों ने विकास के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी। सरकार बदलने के बाद भी इस गाँव की जो बदहाल तस्वीरें बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में सरकार जरूर बदली है, लेकिन गाँव की बदहाल तस्वीरें आज भी बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नीमच जिले के मनासा विधानसभा मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विकास के दावों की पोल खोलती है तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज नौनिहाल अपनी जान जोखिम में डालकर कीचड़ भरे रास्तों से स्कूल जाने को मजबूर हैं। चुकनी खेड़ा से चुकनी पहुंच मार्ग की हालत इतनी बदहाल है कि पैदल तो दूर है, वाहन से तक निकलना दुश्वार हो रहा है। ऐसे में मासूम नौनिहाल मुसीबतें भरे रास्तों से स्कूल जाने को मजबूर हैं। कब उनके सामने कहां हादसा हो जाए कुछ नहीं कह सकते। वहीं जब ग्रामीणों से हमने बात करी तो ग्रामीणों का कहना है कि विधायक माधव मारू ने चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे जरूर करें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी सुध लेने उनके बीच नहीं पहुंचे। बल्कि जब ग्रामीण अपनी समस्या लेकर विधायक के पास गए तो विधायक ने उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जी तो उनकी सुनवाई नहीं करने, बल्कि वह नाचने गाने में मस्त हैं। ऐसे में कैसे उनकी समस्या दूर होगी और ग्रामीणों की सुध कौन लेगा। साहब, हमारे चुकनी का खेड़ा का रहने वाले हैं हम, और मेरी 80 साल की उम्र होगी, बुढ़ा हो गया हम, पर मेरा गाँव बहुत खड्डा में पड़ा हुआ है। ना तो कोई विधायक सुनता है, ना कुछ नहीं सुनता है। माधु मारू के पास भी गए तो वो नाच कूद में लग रहा है, और हमको कहेगा हमारी जेब से लगाया क्या, हमारे पास पड़ा है क्या, भग जाओ यहाँ से। गाली गुप्ता भी किया उन्होंने, और साहब अभी तक मेरे गांव बिल्कुल जेल में पड़ा है। कुछ उसने नहीं सुनवाई की है साहब। फिर हम कलेक्टर के पास आए, वो कलेक्टर साहब के पास भी आके हमने बोला है, अब वो भी अच्छा सुन ले तो ठीक, नहीं तो फिर हम तो जेल ही भगत रहे हैं।